अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी और आज जिस फ़ोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन है और इस टाइम पे मेरे हाथ के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, ये रहा द चुटकू सा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ़ोन। आई मीन साइज देखे इतना छोटा सा है और ये फुल फ्लेज फ़ोन के तौर पर काम करता है। मतलब सिम लग जाती है, आपको सारे जो मेन्यू के ऑप्शन हैं वो देखने को मिल जाते हैं, वॉइस चेंजर देखने को मिल जाता है और इवन ब्रांड ने कह दिया इसके अंदर ओलेड पैनल लगा दिया, मतलब ओलेड स्क्रीन लगा दी उन्होंने। तो इतने फीचर्स ठूस दिए हैं इसके अंदर, फिर भी इसकी सांस चल रही है अभी तक। बहरहाल सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन डालें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन हो #बबलू लगा के इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, ये है स्मॉलेस्ट फ़ोन का बॉक्स। L8star ब्रांड का नाम है, BM70 फ़ोन का मॉडल नंबर है, कुछ इन्फॉर्मेशन बॉक्स के ऊपर और यहाँ पे HD वॉइस भी अवेलेबल है भाई इसके अंदर कॉलिंग के ऊपर। तो बैक साइड पे देखें तो 0.66 इंच का आपको OLED स्क्रीन देखने को मिलती है, वो वाजी वाह। उसके बाद 300 mAh की बैटरी भी है। जल्दी से बॉक्स से निकाल लेता हूँ इस फ़ोन को, देखते हैं इसके साथ क्या क्या कॉन्टेंट हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो नेक स्ट्रैप है एक L8star की ब्रांडिंग में, उसके बाद हमारे पास है एक माइक्रो USB वाली केबल, मतलब इस फ़ोन में माइक्रो USB का पोर्ट है जिसके थ्रू ये चार्ज होगा। तो उसके बाद ये एक जो हैंगर है कान के ऊपर लगेगा, मतलब जब ये ब्लूटूथ एज ए यूज़ करेंगे ना तो ये एयर टिप के साथ अटैच होके लगेगा। तो उसके बाद ये डिवाइस सीरियसली काफ़ी क्रेजी साइज़ है यार, इतना छोटा साइज है इस डिवाइस का, क्या फील आपको बताऊँ मैं अपनी हैंड, मतलब फिंगर के साथ देखें साइड बाई साइड तो ये सिचुएशन बन रही है इसकी। तो काफ़ी पिद्दा सा छुटकू सा साइज़ है इसका फ़ोन का और सारे फीचर हैं। थोड़ा जूम इन में दिखाऊँ, ये देखिए कीपैड है प्रॉपर और इसके कीपैड के नीचे आपको बैकलाइट भी मिलती है, वेलकम भी आता है भाई इसकी स्क्रीन के ऊपर। और ये देखिए नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, टाइम, सिग्नल्स वगैरह, बैटरी के बाहर हर चीज़ आ रही है और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस लग रही है इसके साइज़ की वजह से। आई मीन दिस इज़ क्रेजी यार, इतने छोटे साइज़ का फ़ोन और इसके अंदर फीचर फ़ोन वाले जो है ना फुल फ्लैज फीचर्स वो सारे देखने को मिल जाते हैं। और इवन पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन कहीं पे भी अवेलेबिलिटी है इसकी। एक दो आते हैं, उसके BM10 मॉडल आता है लेकिन वो इससे थोड़ा बड़े साइज़ का, उसकी बैटरी अलग से पड़ती है, इसकी बैटरी नहीं पड़ती, इसके अंदर ये सारा कुछ जो भी है। तो सिनेरियो कहाँ पे क्रिएट हुआ, मैं AliExpress के ऊपर देख रहा था कुछ चीज़ें, तो वहाँ पर मेरी नज़र पड़ी इस फ़ोन के ऊपर, तो उन्होंने कंपेयर किया होता ना लाइटर के साथ, उन्होंने कंपेयर किया हुआ, तो लाइटर मैंने उठा के देखा, मैंने कहा अरे इससे भी छोटे साइज़ का फ़ोन है। तो मैं काफ़ी क्यूरियस हुआ, मैंने वहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया इसका, कोई $15-15 के अराउंड इसकी प्राइस पड़ी मुझे और फिर आ गया 18 दिनों के अराउंड ये मेरे पास आ गया पाकिस्तान में और कस्टम में कहीं पे भी नहीं अटका। और जब आ गया मैंने कहा चल देखते हैं, इसके अंदर सिम भी लग जाती है साइड के ऊपर, जो नैनो सिम है जो नॉर्मली स्मार्टफोन्स में लगती है वो लग जाती है। तो मैंने इसका जो PTA टैक्स देखा तो 400 rupees के अराउंड था, मैंने कहा चल इसको भी पे कर देते हैं तो ताकि ये PTA से ब्लॉक कहीं पर ना हो। तो बहरहाल जो भी था ये सारा फ़ोन, अगर मैं इसका आपको साइज़ का आइडिया दूँ ना तो जो वॉल क्लॉक के अंदर सेल लगता है ना, आप उसको साइड बाई साइड कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल वही साइज़ बनता है, 19-20 कहीं पर निकलता है ये फ़ोन। और अगर लाइटर के साथ कंपेयर करेंगे तो हाफ से थोड़ा सा ऊपर जाता है। मतलब इतने छोटे से फ़ोन के अंदर, छुटकू से फ़ोन के अंदर जो भी फीचर्स होने चाहिए वो सारे उन्होंने पैक कर दिए हैं। अगर इस छुटकू से फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू में आपको दिखा दूं तो ये राइट साइड के ऊपर सिम लग जाती है इस फ़ोन के अंदर और नीचे वाले साइड पर ना एक बिल्कुल सॉकेट सी बनी हुई है छोटी सी, वहाँ पर पिन ऐड करके ना, पिन इंसर्ट करके अप डाउन करेंगे तो लॉक अनलॉक हो जाता है ये फ़ोन। तो इस तरह का सीन है। नीचे वाली साइड पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलती है, साथ में एक जो माइक की पोर्ट है वो देखने को मिल जाती है। और बैक साइड पर देखा जाए ना तो यहाँ पर इसका स्पीकर है। अब स्पीकर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप वो जो एयर टिप मिलती है ना इसके अंदर, उसको भी अटैच करके एज ए ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो वायरलेसली, अपने जो प्राइमरी फ़ोन आपका जो भी है उसके साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके उसको पेयर करके आप इसके थ्रू जो कॉल्स हैं उनको रिसीव कर सकते हो, उनको रिजेक्ट कर सकते हो, मतलब उनके थ्रू इसको यूज़ किया जा सकता है। और एज ए मल्टी मीडिया जो है वो भी यूज़ किया जा सकता है, आप एज ए MP3 इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई म्यूज़िक सुनना है, कुछ भी आपको साउंड वगैरह सुनना है तो आप इसके थ्रू सुन सकते हो। और साउंड की क्वालिटी की मैं बताऊँ कि वहाँ पे जो साउंड क्वालिटी है ना बिल्कुल फ्लैट किस्म की आती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, अब इतने छुटकू से फ़ोन से क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो कॉल की क्वालिटी है ना इसके अंदर सिम लगा के इसके थ्रू जो कॉल करते हैं वो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस फ़ोन की। मतलब इसके जो 2-in-1 फीचर है ना, एक तो आप इस डिवाइस को, मतलब ये छुटकू से स्मॉलेस्ट फ़ोन को आप एज ए वायरलेस ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ टू मेक एंड रिसीव कॉल्स, और दूसरा MP3 के जरिए भी, यानी वायरलेसली जैसे ये यूज़ किया जा सकता है ब्लूटूथ को वैसे यूज़ कर सकते हो। दूसरा अगर आप सिम
लगा लेते हो इसके अंदर तो ये एज ए फुल फ्लैज फीचर फोन के तौर पे काम करता है और आपको सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। अगर डिस्प्ले की यहाँ पे बात करें तो ब्रांड ने गिमिक किया, वो जो ओलेड वाला सीन है मैंने आपको स्टार्ट में बताया, तो वैसा नहीं है, बिल्कुल एक बेसिक सा डिस्प्ले है। और डिस्प्ले को इन्फॉर्मेशन देखें कि सिम लगाने के बाद सिग्नल्स की स्ट्रेंथ आ रही है, सिग्नल की इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन है, और सिम की जो इन्फॉर्मेशन है मतलब किस नेटवर्क की सिम है वो भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है, बैटरी के सेल्स भी आ रहे हैं, मतलब छोटी सी स्क्रीन 0.66 इंच की और सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर। और दूसरा, अगर मेन्यू में चले जाएं इसके तो फोन बुक मिल जाती है, आप अपने जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो। उसके अलावा मैसेजिंग का ऑप्शन है, मतलब मैसेजेस भी हो सकते हैं भाई इसके अंदर, आप उसको रीड कर सकते हो, उसको आगे सेंड करना है वो कर सकते हो। कॉल सेंटर की इन्फॉर्मेशन भी है इसके अंदर, मल्टीमीडिया भी है भाई इसके अंदर, मल्टीमीडिया में जो भी आप इसके अंदर यूज़ करना, लेकिन आप, मैं एक चीज़ बता दूँ, SD कार्ड नहीं लगता है इसके अंदर, ठीक है, तो आप इसको वायरलेसली कनेक्ट करोगे फिर ही आप वो जो मल्टीमीडिया वाला शशक है ना वो इसका ले पाओगे। दूसरा, ब्लूटूथ की ऑप्शन आ जाती है जिसके अंदर आप इसका जो ब्लूटूथ है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा अगर बैक चले जाएं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा की ऑप्शन है, एक्स्ट्रा की ऑप्शन के अंदर एक तो अलार्म है, और दूसरी जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो है वॉइस चेंजर। अभी इसका मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ वॉइस चेंजर वाला फीचर, मतलब तीन टाइप के वॉइस चेंजर आप जो आवाज़ है ना डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, मैन, वुमेन और चाइल्ड की, मतलब जिस बंदे की कॉल आपको आ रही है या जा रही है अगर आप वॉइस चेंजर यूज़ करते हो वो तो नहीं पहचान पाएगा आपकी आवाज़ को। सीरियसली मैंने इसको यूज़ करके देखा, डेमो आपको देता हूँ जल्दी से। ये है मैन वाला वॉइस चेंजर मोड और मैं हूं आपका होस्ट बबलू लाहौरी, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मैं देख रहा हूं मेरी आवाज कितनी डेंजरस आवाज। सर दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैजिक वॉइस चेंजर का जो मोड है, इस टाइम पे मैं जैसे वुमेन पे कर दिए, और ये कोई लेडीज नहीं है भाई, मैं हूँ आपका होस्ट बबलू लाहौरी। और कैसी है मेरी पब्लिक मुझे कोई कॉल आ गई किसी दोस्त की, तो वो कहता है हेलो, तो मैंने उसको जब रिस्पॉन्स किया कहता भाई तू कौन बोल रहा है, मैंने उसको कहा मैं वही बोल रहा हूँ यार, मैं बबलू लाहौरी बोल रहा हूँ, तो यकीन कर मेरी बात। वो कहता नहीं यार ये कोई लेडीज की आवाज में। बहरहाल काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और अगर कुछ अदर फीचर्स की यहाँ पे बात करें ना इसकी परफॉर्मेंस लेके, तो स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट है, मतलब अब इसके अंदर और क्या चाहिए आपको, सारे फीचर फोन वाले जो आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल मुझे इस फोन के जितने भी फीचर्स हैं ना उसमें से इस डिवाइस का एज ए स्टैंड अलोन एक मिनी फोन के तौर पे काम करना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जहां पे आपको सारे जो फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं, फोन बुक हो जाए, SMS हो जाए, आपके मल्टीमीडिया हो जाए, आपका जो भी सारी चीजें हैं वो देखने को मिल जाती हैं, सिम कार्ड भी इसके अंदर लग जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप इसको किसी और बंदे को पकड़ाते हैं ना यार ये फोन है, तो वो बहुत एक्साइटमेंट दिखाता है कि यार ये वाकई फोन है, तो ये एक है ही ऐसी इंटरेस्टिंग चीज। और ये है यहाँ पे सारी कहानी इसके L8star BM70 की। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। तो यही फोन था मेरे पास, मैंने कहा इसकी भी अनबॉक्सिंग आज बना देनी चाहिए चैनल पे। स्ट्रॉन्गेस्ट फोन की तो वीडियोज आपने देख ली, तो स्मॉलेस्ट फोन की वीडियोज भी हो जाए। तो ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने चाहने वाले का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।